भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं संबोधित। कहा, दो सांसदों वाली पार्टी इतना बड़ा कर रही है अधिवेशन। भाजपा राष्ट्रीय अधिवेशन में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कि मोदी सरकार ने जो कहा वो 4.5 सालों में करके दिखाया। बहुत दिल से मोदी जी, फिर से का दिया नारा। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का हुआ गठबंधन। दोनों दल यूपी में 38-38 लोकसभा सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। लखनऊ में मायावती और अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ऐलान। प्रयागराज में चढ़ने लगा है कुंभ मेले का खुमार। 151 नदियों के कलशों की निकाली गई शोभा यात्रा। कलशों में भरे जल को संगम में अलग अलग जगह किया गया प्रवाहित। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। चलिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। माहौल को बेहतर बनाने को प्राथमिकता दी, एक उचित और ईमानदारी पारदर्शी व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया। हमारी सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील है और खुले विचारों के साथ निरंतर नई योजनाओं पर काम कर रही है। साथियों, इसी प्रकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण प्रयास बीते 4.5 वर्षों में किए गए और ये वर्ष हम राजमाता विजयराजे शांतिराजे सिंधिया जी की शताब्दी के वर्ष के रूप में मना रहे हैं। तब हमारी मातृशक्ति के योगदान का हम गौरवगान करते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सही है कि राजनीतिक विरोध के लिए कुछ लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पवित्र भावना का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन दशकों से चल रही ये गलत सोच से समाज को मुक्त करने की तरफ हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं। साथियों, जब सशक्तिकरण होता है तो सोच और धारणाएं अपने आप बदलने लगती हैं। यही रास्ता महिलाओं के लिए इस सरकार ने चुना है। दफ्तरों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उद्यमों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी है। छोटे उद्योगों से जुड़ी महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। गांव में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसी व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। साथियों, बेटियां सक्षम भी हैं और शक्ति का रूप भी है। यही कारण है कि भारत के इतिहास में पहली बार सशस्त्र बलों में महिलाओं की एक व्यापक भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। पहली बार बेटियां फाइटर प्लेन उड़ा रही है। साथियों, सशक्तिकरण की बात जब आती है तो देश में एक और बड़ा वर्ग है जिस पर ध्यान दिया जा रहा है। अपने अन्नदाता को हम नए भारत की नई ऊर्जा का वाहक बनाना चाहते हैं। किसानों को सशक्त करने के लिए हम इस दिशा में गंभीरता के साथ बहुत ईमानदारी के साथ प्रयास किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, जब हम किसानों की समस्या के समाधान की बात करते हैं तो पहले की सच्चाइयों को स्वीकार करना भी जरूरी है। खेती और किसान की स्थिति दशकों की लापरवाही और बेरुखी का परिणाम है। कारण यह रहा कि पहले जिनके पास किसान को संकट से बाहर निकालने का दायित्व था, उन्होंने शॉर्टकट ढूंढे, आसान रास्ते ढूंढे, चुनाव का सोचा। उन लोगों ने अन्नदाता को सिर्फ और सिर्फ मतदाता भर बना रखा था, अपनी मतपेटी भरने के लिए। हम अन्नदाता को ऊर्जादाता भी बनाना चाहते हैं। साथियों, इसलिए हमारी सरकार ने शॉर्टकट के बजाय लंबा और कठिन रास्ता चुना है। किसानों की मूल समस्याओं को सुलझाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। बीज से लेकर बाजार तक सरकार
नई और आधुनिक व्यवस्थाओं का निर्माण कर रही है। ये व्यवस्थाएं बनने में समय जरूर लेती हैं, लेकिन इनका लाभ बहुत बड़े स्तर पर मिलता है। नहर जब बन रही होती है तब वो एक लंबे से गड्ढे के अलावा कुछ नहीं होता। कभी आने जाने वालों की नाराजगी भी होती है, लेकिन जब उस नहर से पानी खेत पहुंच जाता है तो उसके पीछे की सोच और श्रम का सीधा सीधा लाभ नजर आने लगता है। साथियों, देश का किसान। भाजपा राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में मोदी सरकार ने जो काम किए हैं, जिसको सुनकर सभी के दिल से ये आवाज निकलती है कि कहो दिल से मोदी जी फिर से। गांव में निवास करने वाले एक सामान्य गांव के नागरिक से लेकर के नारी गरिमा के सम्मान को लेकर के, युवाओं के कल्याण को लेकर के और समाज में बिना भेदभाव के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने किया है वो अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। और न केवल अधिवेशन, अभी तो पूरा भारत, जहां कहीं भी आप किसी गांव के नागरिक से, किसी निष्पक्ष नागरिक से, अगर किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है, उन सब से कोई व्यक्ति एक राय पूछता है, वह हर व्यक्ति एक बात को कह सकता है और मजबूती के साथ कह सकता है कि कहो दिल से मोदी जी फिर से। भाजपा अधिवेशन के दूसरे दिन नितिन गडकरी ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया। नितिन गडकरी ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए गठबंधन पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले घटनाक्रम को याद करते हुए उन्होंने कहा कि जो दल विधानसभा में एक दूसरे के खिलाफ कुश्ती कर रहे थे वो अब एक साथ आ रहे हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र की भाजपा सरकार और उनके विकास कार्यों से वो लोग घबरा गए हैं। जिसके मां बाप कोई राजनीति में बड़े नेता नहीं थे, ऐसा एक गरीबों के घर में पैदा हुआ एक छोटा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री हुआ, ये बात ये सहन नहीं कर पा रहे हैं। सहन भी नहीं हो रहा और बोल भी नहीं पा रहे, ऐसी अवस्था है। इसलिए लगातार झूठे आरोप करना, देश को गुमराह करना, यही उनकी नीति रही है। ये पूरे लोग एक हो रहे जो एक दूसरे की तरफ देखते नहीं थे, नमस्कार तक नहीं करते थे, जो गले में हाथ डालकर घूमने का नाटक कर रहे, इनकी दोस्ती क्यों बनी है? अगर इनके दोस्ती के सही किंग मेकर कोई है तो हम है, हमारे डर के कारण ये एक हुए हैं। और आइए चलते हैं दिल्ली, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। बताएंगे कितनी, कितना? 7 लाख टन उनके आखिरी 5 साल। आप भाजपा का सरकार का आंकड़ा सुनेंगे? हमने 4-4.5 साल में क्या किया, हमने खरीद की है, कितनी सुनेंगे आप? याद रखेंगे? भाइयों और बहनों, हमने बीते 4.5 वर्षों में लगभग 95 लाख मैट्रिक टन, यानी लगभग 13-14 गुना से अधिक उपज हमने किसान से खरीदी है। यह है हमारे काम का तरीका। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सारी समस्याएं दूर कर ली गई, ऐसा मैं नहीं कहता। साथियों, मुझे एहसास है कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। किसानों पर ऋण का भार भी है और लागत भी निरंतर बढ़ रही है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जितनी बड़ी चुनौतियां हैं उतने ही बड़े और ईमानदार हमारे प्रयास हैं। कोशिशों में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है और ये आगे भी जारी रहेगी। साल 2022 तक किसान अपनी आय दोगुनी करने के साधन जुटा सके, इसके लिए हम दिन रात जुटे हुए हैं। साथियों, विरोधी दलों के कुछ साथी
ये आरोप लगाते हैं कि हमने सिर्फ नाम बदले हैं, योजनाएं तो वही पुरानी है। पता नहीं वो क्या कहना चाहते हैं। यहां तो कुछ लोगों को मुझसे यही शिकायत है कि हमने नाम नहीं बदले हैं। ये बड़े बड़े अस्पताल, ये बड़े बड़े एयरपोर्ट, सैकड़ों की संख्या में योजनाएं अभी तो उसी नाम से चल रही थी जो पैसे रखे कर किया गया है। और मैं तो ऐसे लोगों से ये भी जानना चाहता हूं कि कितनी योजनाएं ऐसी हैं जो मेरे नाम से चल रही है। मेरे कार्यकर्ता साथियों, आप मुझे बताइए, क्या आयुष्मान योजना के आगे नरेंद्र मोदी जुड़ा है? क्या भारतमाला सागरमाला परियोजनाओं के आगे नरेंद्र मोदी लिखा है? क्या जनधन योजना नरेंद्र मोदी जनधन योजना के नाम से जानी जाती है? क्या उज्ज्वला योजना को हमने नरेंद्र मोदी उज्ज्वला योजना का नाम दिया है? नहीं ना। इसलिए ये इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हमने पहले दिन से सिखाया जाता है, स्वयं से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है। यही हमारे संस्कार है और यही हमारी प्रतिज्ञा है। भाइयों और बहनों, देश में सिलेंडर पहले भी मिलते थे, पासपोर्ट पहले भी बनते थे, ऑनलाइन रेल रिजर्वेशन पहले भी होता था, सड़कें भी पहले बनाई जाती थी, रेल पटरियां भी पहले बिछाई जाती थी, पुल भी बनते ही थे। लेकिन 4 साल में इन्हीं सब कार्यों में जो गति भाजपा सरकार ने दी है वह गति अभूतपूर्व है। लेकिन मैं ये दावा नहीं करता कि हमने सारे लक्ष्य हासिल कर लिए, सब कुछ कर लिया, ये मैं नहीं कहता हूं। अगर सब कुछ हासिल हो ही गया होता तो फिर मोदी की जरूरत ही क्या थी। मैं ये दावा नहीं करता कि मैंने सारी व्यवस्थाओं का कायाकल्प कर दिया है। हां, मैं ये जरूर दावा करता हूं और आज भी कर रहा हूं कि देश को आगे बढ़ाने में हमारी व्यवस्था में जो कमियां थी उसे दूर करने का हमने बहुत ईमानदारी से प्रयास किया है। मैंने भाजपा अधिवेशन के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री और एक मजबूत सरकार चाहिए। उन्होंने कहा कि अब देश को तय करना है कि उन्हें एक अस्थिर सरकार चाहिए या स्थिर सरकार। कि देश को तय करना है कि हमें कहां जाना है, एक अस्थिर सरकार चाहिए जहां डंबे के समान नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं तीनों प्रधानमंत्री जो मजबूर थे, जहां सरकार कभी पुलिस के, एक हरियाणा का पुलिस वाला आया किसी की निगरानी करने तो सरकार टूट गई। दूसरे प्रधानमंत्री थे, मैं चंद्रशेखर की बात कर रहा हूं। आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का आधिकारिक ऐलान हो गया है। आज लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि दोनों दल यूपी में 38-38 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस अवसर पर मायावती ने कहा कि सपा और बसपा गठबंधन से लोगों में उम्मीदें जगी। मायावती ने कहा कि गेस्ट हाउस कांड को किनारे करके देश हित में हम सपा से गठबंधन कर रहे हैं। मायावती ने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस से गठबंधन करके कोई फायदा नहीं है। हालांकि अमेठी और रायबरेली की सीट राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए छोड़ दी गई है।
ईवीएम और वीवीपैट के संबंध में किसी भी प्रकार के संदेह और भ्रम को दूर करने के लिए झांसी के गांधी सभागार कलेक्ट्रेट में अधिवक्ताओं को मास्टर ट्रेनर द्वारा जागरूक अभियान चलाया गया। अधिवक्ताओं ने स्वयं हैंड ऑन प्रैक्टिस कर ईवीएम व वीवीपैट की कार्य प्रणाली को देखा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 में सभी बूथों पर ईवीएम के साथ वीवीपैट का उपयोग होना है, जिसके माध्यम से मतदाता को यह सुनिश्चित हो जाएगा कि उसने जिस प्रत्याशी को वोट दिया है कि जो पब्लिक में भ्रांतियां हैं कि बटन किसी को दबाया जा रहा है, वोट किसी को जा रहा है, वो दूर हो जाए। अब जो सामान्य निर्वाचन 2019 लोकसभा प्रस्तावित है वो M3 मॉडल मशीनों पे होगा और उस पर एक वीवीपैट लगाई जाएगी। समस्त मतदान केंद्रों में वीवीपैट से जब भी कोई मतदाता अपना मत देगा तो उससे एक पर्ची निकलेगी और 7 सेकंड तक उस पर्ची वो उस मतदाता को दिखाई देगी कि वो जिससे वो वेरिफिकेशन कर लेगा कि जिस भी प्रतीक चिन्ह को या जिस भी कैंडिडेट को मैंने अपना मत दिया था वो मेरा मत उसी कैंडिडेट को गया है। देखिए, इलेक्शन में ईवीएम मशीन और वीवीपैट के बारे में जो जागरूकता है उसका प्रसार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे स्वीप प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है, तो इसलिए इसको विभिन्न कॉलेजों में, विभिन्न संस्थानों में, विभिन्न चौराहों पर इनके डिस्प्ले कराए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किस तरीके से ईवीएम जो है वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से फंक्शन करती है। हापुड़ में एनआईए की एक बार फिर छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। एनआईए ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी के दौरान एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि एनआईए ने एक मौलाना को भी हिरासत में लिया है। एनआईए ने छापेमारी के दौरान एक संदिग्ध युवक शहजाद को कुछ कागजातों के साथ हिरासत में लेकर एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है। एनआईए ने कहा कि मौलाना की निशानदेही पर टीम छापेमारी कर रही है। औद्योगिक नगरी कानपुर नगर में किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय कपूर और उनके बड़े भाई उद्योगपति विजय कपूर के यहां प्रवर्तन निदेशालय ईडी अधिकारियों ने टीम के साथ छापा मारा। अचानक हुई ईडी की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। अजय कपूर लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं और विजय कपूर कानपुर के दादानगर उद्योग जगत के प्रभारी हैं। अजय कपूर, विजय कपूर और संजय कपूर 3 भाई हैं। इन सभी का राजनीति के साथ साथ उद्योग जगत में भी बड़ा नाम है। छापेमारी के बाद उद्योग जगत में हलचल मची हुई है। गोंडा जिले में एक ऐसा गांव है जहां देश की आजादी में कुछ लोग शहीद हुए थे। इन लोगों के नाम से गांव के बाहर स्मारक पार्क तो बना दिया गया, लेकिन आज वो उपेक्षित है। शहीदों के परिजन मुफलिसी की जिंदगी जी रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में 29 फौजियों ने वर्ष 1914 से लेकर 1919 तक देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, जिसमें 6 लोग शहीद हुए थे। जिलाधिकारी प्रभांशु कुमार ने बताया कि स्मारक की देखरेख की जिम्मेदारी गांव सभा की होती है। इस संबंध में इसकी जांच कराई जाएगी। से 43 इसी के बीच में हुआ। फिर हमें कोई मदद नहीं मिला, ना कोई पूछा। खबर मिला, तेरे फोन आवा रहा तो वो फोन के द्वारा ही खबर मिला तो शहीद हुई है। और कोई मदद? बाबा हमारे जो है उनका नाम देवता सिंह था और 29 लोग गांव के थे, इनका सब विवरण पूरा नहीं जान रहा हूँ। 29 लोग गांव के थे, इसमें 6 आदमी शहीद हो गए थे, बाकी लोग वापस आए थे। गांव के लिए उन्नत को कोई कारोबार नहीं, कुछ नहीं। यक्षला लाट वही बनी थी गांव की, गांव की लाट बनी थी, इसमें लिखा गया था अंग्रेजों द्वारा, और वही लाट बनी थी और कोई उसका बेनिफिट नहीं मिला था। होगा तो अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लोग शहीद हुए थे उसमें मान लीजिए हम लोग स्वतंत्र देश नहीं थे और आप जो बता रहे हैं तो उसके सापेक्ष अगर कोई स्मारक वहाँ था तो उसकी रख रखाव की जिम्मेदारी संपूर्ण उस पार्टिकुलर ग्राम समाज की और इलाके के लोगों की थी। अगर वो उपेक्षित है तो मैं इसको दिखा लेता हूँ क्या स्मारक बना था, किसने बनवाया था और उसके संवर्धन के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए क्या किया जा सकता है, उस पर ठोस पहल की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कौशल विकास मिशन योजना बरेली में महिला सशक्तिकरण का जरिया बन रही। इस योजना में महिलाओं को हाथ का हुनर सिखाकर जीवकोपार्जन के लिए तैयार किया जा रहा है।
बरेली के राजेंद्र नगर इलाके में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अभी तक इस केंद्र पर 300 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और भविष्य में यहां से प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं को बैंक से लोन दिलाने की व्यवस्था भी की गई है। इस केंद्र में महिलाओं को सिलाई की हर बारीकी सिखाई जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से इस केंद्र की लगातार निगरानी कर रही है। मैं यहाँ पे सिलाई सीखने आती हूँ। हम लोग प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत यहाँ पे सिलाई सीख रहे हैं। ये पूरी तरीके से निःशुल्क है। यहाँ पे 2 से 6 की हमारी टाइमिंग है और हमें एडवांस तरीके के कपड़े सिलने सिखाए जाते हैं यहाँ पे। मेरा नाम अनुभा रावत है और मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पे सिलाई का कोर्स सीखने आती हूँ। और मुझे यहाँ पे सीखने के साथ साथ बहुत कुछ और भी चीज़ें सीखने को मिली हैं कि जैसे हम कपड़े के नमूनों के साथ साथ बड़े कपड़े तैयार करना, ये एक अपने लिए खुद की अर्निंग के लिए बहुत अच्छा कोर्स है जो हम साइट से भी सीख सकते हैं और खोल भी सकते हैं और दूसरों को सिखा भी सकते हैं और हम अपने लिए कुछ कमा सकते हैं। 2 साल पहले एक छोटी सी शुरुआत एक उम्मीद संस्था ने शुरू की थी महिलाओं को और युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने की। कौशल विकास केंद्र की शुरुआत इसमें 2 महीने पहले हुई है और ये प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र का हमारे इस संस्था को एक दर्जा मिला है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले भी इन लड़कियों की क्लासेस लेने आए हैं जिससे कि ये कि सिलाई सीखने के बाद अगर आप घर के बाहर भी कोर्स अपना इसको जीविका अर्जन का साधन बनाना चाहें तो इसमें आप कैसे करेंगे उसका पूरी इसमें इस कोर्स में ट्रेनिंग कराते हैं। शाहजहांपुर में स्वच्छ भारत मिशन साफ दिखाई देने लगा है। गांव में रिकॉर्ड शौचालयों के निर्माण और स्कूलों के कायाकल्प से लोगों की जीवनचर्या में बदलाव आए। जहां ग्रामीण भारत में शिक्षा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं वहीं शहरों में भी जगह जगह रखे कूड़ादानों का प्रयोग, रिकॉर्ड सार्वजनिक शौचालय निर्माण और दीवारें क्लीन सिटी ग्रीन सिटी का एहसास कराती हुई लोगों के जीवन में स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का एहसास करा रही हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि सरकार की मंशा अनुरूप स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2,60,000 शौचालयों का निर्माण कराकर ODF घोषित किया जा चुका है। नालियां बह रही थी, गंदगी थी, निकलने को बड़ी तकलीफ हो रही थी, तो अब तो हर घर घर तक रोड है, घर घर में लेटरिन बन चुकी है, बाहर नहीं जाना पड़ता है। हर माँ बहनें हमारी घर में शौचालय में जाती हैं, स्वच्छ साफ रहते हैं, बीमारियां बहुत कम हो चुकी हैं। से हिंदुस्तान में स्वच्छ भारत अभियान से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2007 से हम लोग इस मुहिम से जुड़े हुए हैं और जब से नई हमारी सरकार आई तो हमको ये बड़ा आपके साथ शेयर करते हुए सुखद अनुभव है कि मोदी जी की सरकार आने के बाद स्वच्छता में हिंदुस्तान में नए आयाम लिखे गए। ये हमसे बेहतर शायद इसलिए भी कोई नहीं बता पाएगा क्योंकि हम लोग 2007 से इसमें काम कर रहे हैं। मऊ जिले में विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का जिले के लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। मऊ के औरंगाबाद मोहल्ला निवासी गरीब बुनकर इरशाद अहमद हृदय रोग से पीड़ित थे। उन्हें जब डॉक्टरों ने इस रोग के इलाज में आने वाले खर्च को लगभग 3 लाख बताया तभी लखनऊ में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि अगर उनका नाम आयुष्मान भारत कार्ड धारकों के लाभार्थियों की सूची में होगा तो उनका निःशुल्क इलाज हो सकता है। इरशाद अहमद ने बताया कि उन्हें इस योजना का काफी लाभ मिला और लखनऊ स्थित इरा मेडिकल कॉलेज में उनके हृदय रोग का ठीक ढंग से ऑपरेशन और उपचार हुआ। उन्होंने इसके लिए भारत सरकार की इस योजना की काफी सराहना की। तो हार्ट में अब कैसे भाई कहाँ से मिल जाएंगे, तो लखनऊ तक भेज दिया तो डॉक्टर साहब कहे तो कहा कि ये कार्ड आपके पास हो ना तो कार्ड लेके आओ तो हो सकता है, तो कार्ड फिर उसी दिन हमको मिला है। तो कार्ड मिला तो लखनऊ लेके गए हैं तो कुल 10 दिन में हमको करा उरा करके तो ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन कर दिया तो हमारे वहाँ स्वास्थ्य मंत्री आए थे तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जो पूछेंगे आप बता दीजिएगा, तो वो पूछे कि चाचा आपकी कैसी तबीयत है, मैं कहा कि ठीक है, तो कहा कि अब आप पहले जैसे हो जाएंगे। इनको मैं जो एरा हॉस्पिटल ले गया था चेक कराने तो डॉक्टर ने हमसे बोला कि भाई इनका ऑपरेशन कराने पर 3-3 नस ब्लॉक है, तो मैं डॉक्टर साहब से कहा कि भाई क्या खर्चा पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने बताया हमसे कि 250 ऊपर 3 आप मान के चलिए 3 लाख रुपये करीब। तो मैं डॉक्टर साहब से कहा कि भाई डॉक्टर साहब हम लोग गरीब आदमी हैं, बुनकर आदमी, हम लोग पास इतने पैसे नहीं है कि हम लोग जो है इलाज कर सकें, तो हमारी छुट्टी कर दीजिए। तो डॉक्टर छुट्टी करने के बाद हमको बताया डॉक्टर ही ने कि आयुष्मान भारत एक कार्ड है, देखो अगर तुम्हारा उस सूची में नाम हो तो उसको लेके आइए, हम जो है आपका फ्री में इलाज कर देंगे।
और अब देखते हैं प्रयागराज कुंभ से जुड़ी खबर। प्रयागराज में 151 नदियों के कलशों की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। कलशों में भरे जल को संगम में अलग अलग कुल 151 यजमानों की ओर से गंगा में प्रवाहित किया गया। इसके पहले वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलशों का पूजन हुआ और आरती उतारी गई। पद्मश्री योगेंद्र बाबा ने बताया कि सभी नदियों का हमने संकल्प लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि देश के कोने कोने को इकट्ठा कर जगाने का काम किया गया है। कार्यक्रम सह संयोजक कल्पना सहाय ने बताया कि पद्मश्री बाबा का संकल्प था कि देश के 151 नदियों के जल को कुंभ मेले संगम में प्रवाहित किया गया। हमने प्रयोग किया इस प्रकार का, कावेरी नहीं, गोदावरी नहीं, कृष्णा की कतर पर भी सब जगह इस प्रकार के हमने कार्यक्रम करने का एक संकल्प लिया। हेतु एक ही था कि ये माँ है, ये जीवन दायिनी है, जल प्रभु की कृपा से हमको इस प्रकार का उस पंच तत्व में एक विशेष स्थान लेकर के आया है। जल नहीं रहा तो जीवन नहीं रहेगा, ऐसा विश्वास। गंगा बड़ी गोदावरी, तीरथ बड़े प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जहां रामलीन अवतार, ऐसी धार्मिक मान्यता और अवधारणा से ओतप्रोत अधिकांश श्रद्धालु प्राचीन काल से ही प्रयागराज में कुंभ के पुनीत अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण करके अपना रुख सीधे अयोध्या की ओर करते हैं, जिससे अयोध्या में आघोषित मेले जैसा दृश्य सृजित हो जाता है। इन्हीं परिस्थितियों को सरल बनाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर परिवहन निगम के क्षेत्रीय कार्यालय ने प्रयागराज और अयोध्या के बीच बस यात्रा की व्यापक व्यवस्था की है, जिसके तहत कुंभ मेले में लगाई गई परिवहन निगम की 5500 बस बेड़े में अयोध्या क्षेत्र से 296 बसें लगाई गई हैं, जिनमें 40 बसों का उपयोग प्रयागराज में शटल सेवा के रूप में और 256 बसें अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी और अम्बेडकर नगर के विभिन्न स्थलों से श्रद्धालुओं के आवागमन को सुनिश्चित करेंगी। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। अमेरिका के शिकागो में हुई धर्मसभा में अपने धारा प्रवाह भाषण के कारण दुनिया भर की सुर्खियों में आए स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को बंगाल में हुआ था। स्वामी विवेकानंद अपने ओजपूर्ण बेबाक भाषणों के कारण विशेषकर युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हुए, इसी कारण उनके जन्म दिवस को पूरा राष्ट्र युवा दिवस के रूप में मनाता है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं संबोधित। कहा, यह भाजपा की पहली राष्ट्रीय परिषद है जो अटल जी के बिना हो रही है। भाजपा राष्ट्रीय अधिवेशन में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मोदी सरकार ने जो कहा वो 4.5 सालों में करके दिखाया। कहो दिल से मोदी जी, फिर से कर दिया नारा। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का हुआ गठबंधन। दोनों दल यूपी में 38-38 लोकसभा सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। लखनऊ में मायावती और अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ऐलान। प्रयागराज में चढ़ने लगा है कुंभ मेले का खुमार। 151 नदियों के कलशों की निकाली गई शोभा यात्रा। कलशों में भरे जल को संगम में अलग अलग जगह किया गया प्रवाहित। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।